पूर्व मंत्री और जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक गुलाब सिंह ठाकुर ने दावा किया है कि मंडी जिला सीटें जीतने के मामले में प्रदेश भर में नंबर वन पर आने वाला है। ये दावा उन्होंने मंडी में भाजपा नेताओं से चुनावी फीडबैक लेने के बाद किया। पूर्व मंत्री और जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक गुलाब सिंह ठाकुर ने भाजपा नेताओं के साथ बैठकें करके चुनावी फीडबैक ली। गुलाब सिंह ठाकुर ने कहा कि हाल ही में जो मतदान हुआ है वह पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में हुआ है। उन्होंने कहा कि मंडी प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है और यहां की 10 सीटों पर भाजपा का परचम लहराने वाला है। उन्होंने दावा किया है कि मंडी जिला सीटें जीतने के मामले में नंबर एक पर आने वाला है। गुलाब सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और मिशन 50+ का जो लक्ष्य भाजपा लेकर चल रही है वह लक्ष्य पूरा होने जा रहा है। गुलाब सिंह ठाकुर ने जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र से अपनी जीत का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि मुकाबला त्रिकोणीय रहा है लेकिन भाजपा प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। ये जो हाल ही में चुनाव सम्पन्न हुए हैं, जिला मंडी में 10 सीटें हैं। मेरा ये आलंकन है कि ये 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगी और हिमाचल प्रदेश में 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। मंडी सबसे टॉप में रहेगा। जोगिंद्रनगर में तिकोना कंटेस्ट है लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार विजयी होगा। वहीं बैठक में सदर के विधायक अनिल शर्मा, प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता अजय राणा और युवा नेता राजा सिंह मल्होत्रा सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।